फोटोशॉप जो पूरा है वो हम एक ही वीडियो में देखेंगे। एक ही वीडियो में हम पूरा फोटोशॉप का मैं आपको टिप्स एंड ट्रिक्स शॉर्टकट्स बताऊंगा कि बेसिकली फोटोशॉप जो है वो कहाँ पे हम यूज़ कर सकते हैं एज अ प्रोफेशनल। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये है फोटोशॉप का यूआई, वेलकम स्क्रीन यूआई। सो यहाँ से आप जो देख रहे हैं वो वेलकम स्क्रीन है। ये जो आप स्नैप देख रहे हैं वो मैंने पहले ऑलरेडी फोटोशॉप में जो बनाए हुए हैं वो देख रहे हैं आप। रिसेंटली जो मैंने यहाँ पे यूज़ किए हैं वो है, ठीक है। एंड ये जो आप देख रहे हैं नेम वाइज करना है, लास्ट ओपन जो मैंने किया था वो बाय साइज करना है एंड बाय काइंड करना है। सो यहाँ पे मोस्टली होता है लास्ट ओपन। देन यहाँ से आप फ्रंट बैक टू फॉरवर्ड, फॉरवर्ड टू बैक कर सकते हैं। देन यहाँ से आप कोई भी नया डॉक्यूमेंट ओपन कर सकते हैं। यहाँ से एक नया क्रिएट अ न्यू डॉक्यूमेंट हम बना सकते हैं। ये है हमारा मेनू बार। सो हम फाइल में जाएंगे, यहाँ से एक न्यू फाइल ओपन करेंगे। सो ये एक नया फाइल है जिसमें हमें कुछ डिज़ाइनिंग करना हो तो हम यहाँ से कर सकते हैं। नया डॉक्यूमेंट हमें लेना हो नई डिज़ाइन बनाने के लिए तो हम फाइल में जाके यहाँ से न्यू डॉक्यूमेंट पे क्लिक करेंगे। सो ये है हमारा एक नया डॉक्यूमेंट। सो यहाँ से हम डॉक्यूमेंट ओपन करेंगे। जो एडोबी है वो उन्होंने अब फोटोशॉप जो है वो हर एक जगह पे यूज़ होता है, जैसे अपने ये ग्राफिक में यूज़ होता है, प्रिंट मीडिया में यूज़ होता है, फोटो एडिटिंग में यूज़ होता है, प्रिंट मीडिया में यूज़ होता है, इलस्ट्रेशन एंड आर्ट में यूज़ कर सकते हैं, वेब डिज़ाइनिंग में आप यूज़ कर सकते हैं, मोबाइल एप्लीकेशन बनाने में आप यूज़ कर सकते हैं, देन आप फिल्म एंड वीडियो में भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो फोटोशॉप जो है वो सभी फील्ड में यूज़ होने वाला सॉफ्टवेयर है। जैसे हम कहीं पे आपको कोई मूवी के रिलेटेड मैट पेंटिंग बनाना है तो भी आप फोटोशॉप का यूज़ कर सकते हैं, कुछ एनिमेशन करना है तो भी आप फोटोशॉप का यूज़ कर सकते हैं, मोबाइल ऐप डिज़ाइन करना है तो भी आप यहाँ से फोटोशॉप का ही यूज़ कर सकते हैं, वेब एप्लीकेशन बनानी है, वेब लेआउट बनाना है तो भी आप फोटोशॉप का ही यूज़ कर सकते हैं, इलस्ट्रेशन कुछ डिज़ाइन करना है, प्रिंट मीडिया के रिलेटेड कुछ डिज़ाइन करना है तो भी आप फोटोशॉप का ही यूज़ कर सकते हैं, फ़ोटो एडिटिंग में अगर आपको फोटोशॉप का यूज़ करना है तो भी आप फोटोशॉप का ही यूज़ कर सकते हैं। सो यहाँ पे आएगी फाइल का नेम जो भी आपको करना है, जैसे मुझे एक होम पेज बनाना है या तो फिर मुझे एक मूवी का लोगो बनाना है या तो फिर मुझे कुछ वेब ऐप बनानी है, तो यहाँ से आप नाम दे सकते हैं। देन यहाँ से आप साइज डिफाइन कर सकते हैं, कितना डॉक्यूमेंट का हाइट रखना है, कितना विड्थ रखना है। यहाँ पे ओरिएंटेशन दिया है, आपको लैंडस्केप में चाहिए या पोर्ट्रेट में चाहिए, ठीक है। एज अ आर्ट बोर्ड यूज़ करना है तो आप एज अ आर्ट बोर्ड भी यूज़ कर सकते हैं। ये है रेजोल्यूशन, प्रिंट मीडिया में यानी कि जो जिस चीज़ का हमें प्रिंट निकालना है उसका अगर हम डिज़ाइन कर रहे हैं तो उसका रेजोल्यूशन जो होता है बाय डिफॉल्ट वो 300 DPI रहता है, डॉट पर इंच, ठीक है। और वेब एंड मोबाइल एंड फिल्म वीडियो में जो साइज़ रहता है वो 72 DPI रहता है, प्रिंट मीडिया में 300 DPI, देन इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया जो है उसमें 72 DPI रहेगा। सो ये है यहाँ से हमारा नया डॉक्यूमेंट लेने का प्रोसेस। सो आपको ये डिफाइन करना है, आपको ये डिफाइन करना है कि आपको किस फील्ड में फोटोशॉप का यूज़ कर रहे हैं, उसी फील्ड के रिलेटेड आपको डॉक्यूमेंट सिलेक्ट करना है। जैसे मुझे वेब के रिलेटेड कोई डिज़ाइन करना है तो मैं वेब में जाऊँगा, जैसे मुझे मोबाइल के रिलेटेड कोई डिज़ाइन करना है तो मोबाइल प्रीसेट में जाऊँगा, फिल्म एंड वीडियो के रिलेटेड मुझे कुछ एडिटिंग करना है तो मैं यहाँ से फिल्म एंड वीडियो के रिलेटेड टैब में जाऊँगा। सो यहाँ से हम अभी फ़ोटो का साइज़ लेंगे, 7x5 इंच का ये साइज़ है। और यहाँ से है पोर्ट्रेट, यहाँ से रिजोल्यूशन है 300 DPI। ये है मोड, RGB मोड। दो तरह के मोड होते हैं मोस्ट ऑफ जो यूज़ होते हैं, CMYK एंड RGB। CMYK जो है वो फॉर कलर यानी कि प्रिंट के रिलेटेड यूज़ होगा, जबकि RGB है वो डिजिटल मीडिया के रिलेटेड यूज़ होता है, हमें यूज़ करना है, ठीक है। बैकग्राउंड कंटेंट है वाइट
बैकग्राउंड कंटेंट लेना है, आपको ब्लैक कलर लेना है या तो फिर एनी अदर कलर लेना है, जो भी आपको जिस तरह से डॉक्यूमेंट का कलर चाहिए। मोस्ट ऑफ यहाँ पे बाय डिफॉल्ट वाइट होता है, ठीक है। यहाँ से क्रिएट पे जाएंगे तो एक डॉक्यूमेंट क्रिएट हो जाएगा। ये है हमारा फोटोशॉप का यूआई, ठीक है। सो फोटोशॉप में आप जैसे ही एंटर करेंगे तो इस तरह का कुछ न्यू यूआई आएगा। जैसे फोटोशॉप आपको लर्न करना है तो इसकी जो वेबसाइट है वहाँ से डायरेक्टली आप जाके लर्न कर सकते हैं। पेंटिंग बनाना है, कोई इफेक्ट ऐड करनी है, कोई फोटो ऐड करना है, फंडामेंटल स्किल ऐड करनी है, ठीक है। ये है टूल्स बॉक्स, यहाँ पे आएंगे टूल्स। टूल्स का यूज़ करके आप फोटोशॉप में सब डिज़ाइन और सब बना सकते हैं। देन ये है प्रॉपर्टी बार, यानी कि जो भी हम टूल सिलेक्ट करेंगे उसकी प्रॉपर्टी यहाँ पे आएगी। रेक्टेंगल टूल सिलेक्ट किया, लासो टूल सिलेक्ट किया, मैजिक वैन टूल सिलेक्ट किया, ब्रश टूल सिलेक्ट किया, कोई भी टूल आप सिलेक्ट करेंगे तो उसकी प्रॉपर्टी है वो यहाँ पे आएगी। प्रॉपर्टी यानी उसके सब ऑप्शंस, जैसे मूव टूल है तो मूव टूल में आपको क्या करना है। मूव टूल में जैसे मुझे लेयर वाइज सिलेक्ट करना है, ग्रुप वाइज सिलेक्ट करना है, ठीक है। तो ये टूल बॉक्स है, ये प्रॉपर्टी बॉक्स है, ये हमारा कलर बॉक्स है, यहाँ पे हमारी ये प्रॉपर्टी बार है जो यहाँ पे है वही, ये टूल्स की प्रॉपर्टी है, ये डॉक्यूमेंट की प्रॉपर्टी है। यहाँ पे लिखा है डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टीज, यहाँ पे इसकी साइज़ लिखी है, एक्स एंड वाई पोजीशन यहाँ पे दिखाएगा। जैसे ही मैं यहाँ से कुछ भी ड्रॉ करूँगा तो इसकी एक्स वाई जो पोजीशन है वो आपको यहाँ से डिफाइन करेगा ये। देन उसके बाद है यहाँ पे लेयर प्लेट्स चैनल्स एंड पाथ। पाथ जो हम ड्राइंग करते हैं उसको पाथ कहते हैं। चैनल्स आते हैं आरजीबी कलर, रेड ग्रीन एंड ब्लू। देन उसके बाद ये लेयर, लेयर फोटोशॉप जो है वो लेयर बेस्ड सॉफ्टवेयर है, जिसमें आपको कोई भी चीज़ अगर बनानी है तो आपको पहले लेयर बनाना होगा, उसके बाद ही फिर आपको कोई ऑब्जेक्ट है तो कुछ भी क्रिएट कर सकते हैं। अगर आपने लेयर नहीं बनाया तो बहुत प्रॉब्लम है, तो आपको अगर फोटोशॉप अगर आपको परफेक्ट आना है तो अगर आपको फोटोशॉप परफेक्ट आता है तो उसका मतलब यह है कि आपको लेयर का पता है। सो लेयर जो है बेसिकली वो ट्रांसपेरेंट शीट है। अभी आप यहाँ पे बैकग्राउंड देख रहे हैं, ये बैकग्राउंड का लेयर है। यहाँ पे जैसे मैं इस लॉक पे डबल क्लिक करूँगा तो ये लेयर वन में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी कि अभी ये लेयर वन है। अभी इसमें वाइट आपने डिफाइन किया है। अभी मैं यहाँ से लेयर नहीं ले रहा हूँ और कुछ भी ड्रॉ कर रहा हूँ। जैसे मैंने एक रेक्टेंगल लिया, रेक्टेंगल टूल उसका शॉर्टकट है, रेक्टेंगल मार्की टूल उसका शॉर्टकट है एम। से एक रेक्टेंगल बनाया, यहाँ से एक कलर है सिंपल, मैंने यहाँ से कलर सिलेक्ट कर दिया कि मुझे यहाँ से कलर लेना है ये, और यहाँ पे पेन बकेट टूल है जिसमें मैंने कलर क्लिक कर दिया। सो यहाँ पे मैंने अभी लेयर नहीं लिया था, सिंपल जीरो लेयर में ही मैंने एक ऑब्जेक्ट बना दिया। अब इसको मैं मूव कर रहा हूँ तो देखिए यहाँ पे कट गया। सो जो पीछे जो ये चेक्स दिख रहा है वो हमारा बैकग्राउंड है, उसके ऊपर ये लेयर वन जो वाइट वाला था वो लेयर वन था, और वो लेयर वन में ही हमने जीरो में ये ऑब्जेक्ट हमने बना दिया था। सो इसलिए प्रॉब्लम हो रहा है कि वहाँ पे हॉल हो जाता है। सो कभी भी आप जब भी आप फोटोशॉप में कुछ भी नया बनाना है तो आपको हमेशा यहाँ से न्यू लेयर लेना है, उसके बाद ही आपको ऑब्जेक्ट जो है वो ड्रॉ करना है या तो फिर बनाना है। तो फिर कुछ भी आप न्यू क्रिएशन करते हैं तो आपको याद रखना है कि पहले नया लेयर लेना है। नया लेयर लेंगे तो क्या होगा, नया लेयर मैंने यहाँ पर लिया और यहाँ से मैंने फिर कलर ऐड किया, यहाँ से फिर मैंने इसको सिलेक्शन को निकाला। अब मूव टूल से मैं इसको मूव कर रहा हूँ, ये मूव टूल है, शॉर्टकट इसका वी है, आप कंट्रोल से भी कर सकते हैं, ठीक है। कंट्रोल प्रेस करेंगे तो भी आप मूव टूल का यूज़ कर सकते हैं। सो ये मूव टूल ले लिया और यहाँ से मैं इसको मूव कर रहा हूँ। सो अभी ये अलग लेयर में है तो इसका एक पूरा प्रॉपर्टी जो अलग हो गया है, ये लेयर वन है, जीरो है, ये हमारा अलग लेयर है। सो अब आप इस ऑब्जेक्ट को कुछ भी स्केलिंग कर सकते हैं, रोटेट कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं, क्योंकि आपने ये नए लेयर में बनाया था। सो इसलिए बहुत ही फोटोशॉप में लेयर इम्पोर्टेंट है कि आपको कुछ भी नया क्रिएशन करना है तो आप नए लेयर में करें, ठीक है। सो बहुत सारे उसके आपको फायदे मिलेंगे। सो जब कभी भी आपको कुछ भी नया क्रिएट करना है तो याद रखना है क्या करना है, नया लेयर ही लेना है, उसके बाद ही कुछ ऐड करना है, ठीक है। कुछ भी नया क्रिएट करना हो तो हमेशा पहले क्या करो, नया लेयर ले लो,
ठीक है, उसके बाद है यहाँ पे वन बाय वन हम सब पहले टूल्स देख लेते हैं। जैसे हमने प्लेट सारे देख लिए, यूआई को समझ लिया कि प्रॉपर्टी बार, टूल्स बॉक्स, लेयर बॉक्स, देन यहाँ पे ये मेनू बार है। ठीक है, फोटोशॉप में जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है लेयर, वो भी मैंने आपको बता दिया। अब यहाँ से हम टूल्स का देखेंगे कि टूल्स क्या है। सबसे पहला टूल जो है वो मूव टूल है, जिससे आप ऑब्जेक्ट को मूव कर सकते हैं, रोटेट कर सकते हैं। कोई भी मुझे नया ऑब्जेक्ट बनाना है, जैसे मैंने यहाँ पे एक नया ऑब्जेक्ट बनाया और उसमें कलर ऐड किया, सिलेक्ट में गए, डी सिलेक्ट कर दिया। सो ये मूव टूल है, मूव से आप इसको स्केलिंग कर सकते हैं, देन रोटेट कर सकते हैं, यहाँ से आप कुछ भी कर सकते हैं। मतलब मूव टूल से आप रोटेट, स्केलिंग, ऑब्जेक्ट को मूव करना, रोटेट करना, साइज छोटा करना है, बड़ा करना है, ये जितने भी तीन पैरामीटर्स है वो आप मूव टूल्स के थ्रू कर सकते हैं। जैसे एक मूव टूल से मैंने यहाँ पे इसको छोटा कर दिया, फिर मुझे लगा कि नहीं ये बड़ा करना है तो बड़ा कर दिया, फिर मुझे लगा कि नहीं इसको रोटेट करना है तो हम रोटेट करेंगे। सो ये है मूव टूल का यूज़, ये है इसका प्रॉपर्टी बार। ठीक है, सो ये बेसिक यूज़ था मूव टूल का, और ये सब एडवांस ऑप्शन है। जैसे अभी यहाँ पर लिखा है शो ट्रांसफॉर्म कंट्रोल, ये जो कंट्रोल्स दिख रहे हैं वो अभी दिखने बंद हो गए। क्यों? क्योंकि मैंने यहाँ से जो ट्रांसफॉर्म कंट्रोल थे उसको बंद कर दिया। ठीक है, ऑटो सेलेक्ट यानी कि यहाँ पे दो लेयर में इस वाइट पे क्लिक कर रहा हूँ तो अभी वह वाइट सिलेक्ट हो गया। ठीक है, क्यों ऐसा हो रहा है? अभी मैं ये ग्रीन पे क्लिक कर रहा हूँ तो ग्रीन वाला लेयर मेरा सिलेक्ट हो रहा है, वाइट पे क्लिक करता हूँ तो वाइट वाला हो रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? बिकॉज यहाँ पे हमने ऑप्शन जो सिलेक्ट किया है वो कौन सा है? ऑटो सेलेक्ट। ये ऑटो सिलेक्ट जो है अगर वो ऑफ है तो फिर ये दूसरे लेयर पे मैं कहीं पे भी क्लिक करूँगा तो इसको सिलेक्ट नहीं करेगा। अगर ऑटो सिलेक्ट मैंने यहाँ पे ऑन कर दिया और यहाँ ऑप्शन सिलेक्टेड है लेयर, तभी ये जो इसका लेयर वाला पोर्शन है, ऊपर का लेयर है, जो भी लेयर है उसको ही ये सिलेक्ट करेगा, दूसरे को सिलेक्ट नहीं करेगा। जिस पर हम क्लिक करेंगे वो ऑटोमेटिक सिलेक्ट हो जाएगा, ऑटो सिलेक्ट लेयर। ट्रांसफॉर्म कंट्रोल के बारे में आपको पता चल गया, लेयर्स ऑटो सेलेक्ट कैसे करते हैं वो पता चल गया। देन यहाँ पे दूसरे छः ऑप्शन है जिसमें है यहाँ पे अलाइनमेंट के है, ये भी इनएक्टिव बता रहा है क्योंकि इस ऑप्शन को एक्टिव करने के लिए आपको एक से ज़्यादा लेयर सेलेक्ट करने पड़ते हैं, क्योंकि ये ऑप्शन ही उसके लिए है कि दो लेयर को अगर आपको अलाइन करना हो तो यहाँ से आप डायरेक्टली कर सकते। जैसे अभी मैंने यहाँ पे एक दूसरा लेयर लिया, तीसरा, और एक तीसरा ऑब्जेक्ट मैं बना रहा हूँ, उसका कलर यहाँ से ऐड कर देते हैं हम डार्क ब्लू और इसमें कलर ऐड कर देते हैं, सिलेक्ट में जाते हैं, डी सिलेक्ट करते हैं। अब यहाँ पे ये दो ऑब्जेक्ट है मेरे, अब कंट्रोल होल्ड करके मैंने दोनों ऑब्जेक्ट सिलेक्ट कर लिए और मूव टूल लिया तो यहाँ पे ये ऑप्शन जो है वो एक्टिवेट हो गए। ठीक है, जैसे मुझे सेंटर में लाना है तो सेंटर में आ जाएगा, लेफ्ट साइड लाना है, राइट साइड लाना है, टॉप की साइड चाहिए, बॉटम की साइड चाहिए, बॉटम सेंटर चाहिए, बॉटम मिडल चाहिए, बॉटम लेफ्ट चाहिए, बॉटम राइट चाहिए। ठीक है, तो यहाँ से आप कर सकते हैं बॉटम सेंटर मिडल लेफ्ट राइट, जो भी आपको अलाइन करना है वो यहाँ से आप अलाइनमेंट कर सकते हैं। ठीक है, सो ये है मूव टूल का थोड़ा एडवांस यूज़। अभी मैंने दो लेयर सिलेक्ट किए थे तो ये तीन ऑप्शन ऑन हुए अलाइनमेंट के। अगर मैं दूसरे एक ऑब्जेक्ट बना के फिर मैं सिलेक्ट करूँगा कंट्रोल प्रेस करके तो ये अलाइन इन डिस्ट्रीब्यूशन वाला भी ऑप्शन जो है वो ऑन हो जाएगा। जैसे हम यहाँ पे एक नया ऑब्जेक्ट बनाते हैं और इसमें भी मैं नया लेयर लेके कलर ऐड करके इसको डी सिलेक्ट कर देता हूँ। अब ये सारे मैंने तीनों ऑब्जेक्ट सिलेक्ट किए, मूव टूल में गया तो यहाँ पे जो फोर्थ ऑप्शन है डिस्ट्रीब्यूट वर्टिकली, तो ये डिस्ट्रीब्यूट वर्टिकल करेगा। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूट हॉरिजॉन्टल करना है तो ये हॉरिजॉन्टली करेगा। ठीक है, ऑटोमेटिकली रैंडमली अपने आप ही ये क्या करता है, डिस्ट्रीब्यूट करता है। जैसे मैंने यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट लिया, नया लेयर लिया, इसमें कलर ऐड कर दिया, कलर ऐड करने का शॉर्टकट ऑल्ट और डिलीट है, ऐसे ऑल्ट और डिलीट आप प्रेस करेंगे तो हमारा जो कलर है वो ऑटोमेटिकली फिल हो जाएगा। अब ये जो ये लेयर मैंने बनाया है वो इसका सेम एज इट इज़, मुझे क्या करना है, एक डुप्लीकेट निकालना है। तो हम लेयर में जाएंगे, यहाँ से क्या करेंगे, डुप्लीकेट करेंगे, कहाँ पे है डुप्लीकेट, डुप्लीकेट लेयर यहाँ पे है, ओके देंगे, मूव टूल लेंगे, इसको मैं मूव कर दूंगा।
फिर मैं लेयर में गया, यहाँ से फिर डुप्लीकेट निकाला और फिर यहाँ पे रख दिया। ठीक है, अब डुप्लीकेट लेयर करने के लिए आपको कंट्रोल जे है इसका शॉर्टकट बना दिया है, यानी कि चार लेयर फोर लेयर मैंने बना दिए हैं फोर लेयर। सो इन चारों को मैं शिफ्ट होल्ड करके यहाँ से सिलेक्ट करूँगा। ठीक है, जैसे सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ प्रॉपर्टी में हम जाएंगे और डिस्ट्रीब्यूट वर्टिकली, ये वर्टिकली जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो गया है। ठीक है, और ये हॉरिजॉन्टली है। ठीक है, अनइवनली अगर आपको किसी ऑब्जेक्ट को डिस्ट्रीब्यूट करना है, जैसे इसका साइज़ अभी हम छोटा कर देते हैं, इसका साइज़ भी अगर हम थोड़ा छोटा कर देते हैं और इसका साइज़ भी हम थोड़ा छोटा कर देते हैं और इसको भी थोड़ा छोटा कर देते हैं। सो इन चारों को सिलेक्ट करेंगे एंड यहाँ पे मैं पेस्ट करूँगा डिस्ट्रीब्यूट वर्टिकली, तो ये वर्टिकली जो है डिस्ट्रीब्यूट हो गया। अब ये हॉरिजॉन्टली, तो आप यहाँ पे देखेंगे जो स्पेसिंग है वो सब में क्या हो गया, सेम हो गया। जैसे मैंने यहाँ से सेंटर दे दिया तो सेंटर में सब वर्टिकली हो जाएगा। अगर मैंने मिडल प्रेस कर दिया यहाँ से तो मिडल में हो जाएगा। सो ये जो ऑप्शन है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर आपको ये ऑप्शन जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, अगर आपको वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टली डिस्ट्रीब्यूट परफेक्ट करना है ऑब्जेक्ट को, तो आप इस ऑप्शन का यूज़ कर सकते हैं। सो आई होप कि आपको ये वीडियो जो है वो अच्छा लग रहा होगा। मैं थोड़ा इन डेप्थ में आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, जितना मुझे पता है उतना मैं आपको बता रहा हूँ। वीडियो अच्छा लग रहा हो तो ज़रूर इसको लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर भी कीजिए। सो आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले आपको अब तक जो समझा है वो समझ में आ गया हो आई होप। उसके बाद यहाँ से हमें जो नेक्स्ट टूल सीखना है वो है हमारा सिलेक्शन टूल। सो फोटोशॉप जो है वो दो टेक्निक पर डिपेंड है, दो टेक्निक आपको इसमें बहुत ही अच्छी तरह से आनी चाहिए। एक जो है वो है आपका लेयर, अगर आपको लेयर पैनल पूरा समझ में आ जाता है तो कौन से वक्त किस टाइम पे आपको लेयर पैनल का यूज करना है, और दूसरा जो है उसकी सिलेक्शन मेथड। ठीक है, सो फोटोशॉप में आप कुछ भी बिना सिलेक्ट किए नहीं कर सकते। जो कुछ भी अगर आपको बनाना है, कुछ भी करना है, तो आपको सबसे पहले आपको पहले आपको सिलेक्शन आना चाहिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट है सिलेक्शन। अगर आपको सिलेक्शन नहीं पता है तो फोटोशॉप में कुछ मेरे ख्याल से हो ही नहीं सकता। जैसे अभी आप मुझे यहाँ पे देख रहे हैं तो इसमें ऑप्शन दिया है सिलेक्ट रेक्टेंगल मार्क्यू टूल, एलिप्टिकल मार्क्यू टूल, देन लासो टूल, पॉलीगन लासो टूल, मैग्नेटिक लासो टूल, देन उसके बाद ये तीन टूल हो गए, ये चार टूल हो गए, तीन चार सात सात, और ये दोनों, ये भी क्यूब सिलेक्शन टूल, मैजिक वैन टूल, ये सब कुछ जो चल रहा है, जितने भी यहाँ पे टूल्स दिए वो पूरा क्या है, सिलेक्शन के ऊपर डिपेंड है। फोटोशॉप में कहीं पे कुछ इफेक्ट ऐड करना है तो पर्टिकुलर आपको एरिया सिलेक्ट करना पड़ेगा। सो जो फोटोशॉप है वो बिना सिलेक्ट किए कुछ फोटोशॉप में हो ही नहीं सकता, मेरा ऐसा मानना है। जैसे लेयर पे मुझे कुछ करना है तो वो पर्टिकुलर वो लेयर को ही सिलेक्ट करना पड़ेगा। सो सिलेक्शन मेथड जो है वो फोटोशॉप में बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर आपको सही में फोटोशॉप सीखना है सो आपको इसका सिलेक्शन मेथड जो है वो बहुत ही अच्छी तरह से आपको आना चाहिए, बहुत ही एग्जैक्ट सिलेक्शन आपको पता होना चाहिए कि कब कौन सा पोर्शन जो है वो सिलेक्ट करना है। सो आगे बढ़ते हैं। पहला टूल्स जो यहाँ पे दिया है वो रेक्टेंगल मार्की टूल है,
देन उसके बाद एलिप्टिकल मार्क्यू टूल, देन सिंगल रो मार्क्यू, देन सिंगल कॉलम मार्क्यू, ठीक है। तो ये रेक्टेंगल टूल क्या करता है, सिंपल रेक्टेंगल हमें सिलेक्ट कहीं पे करना हो, इतना एरिया हमें सिलेक्ट करके इसको कट करना है तो हम एक्चुअली यहाँ से कट कर सकते हैं, और अगर इसी एरिया को मुझे मूव करना है तो यहाँ से हम सिलेक्शन टूल लेके ही मूव कर सकते हैं, तो यहाँ से मूव हो जाएगा। उसी तरह हम यहाँ से सर्कल बना सकते हैं, और इसी तरह हम मूव टूल का यूज़ करके यहाँ से उसको मूव कर सकते हैं, या तो फिर सिलेक्शन को मूव करना है तो भी हम यहाँ से कर सकते हैं। सो ये है बेसिकली कि आपको कब रेक्टेंगल का शेप, रेक्टेंगल सिलेक्शन करना है, कब आपको एलिप्टिकल यानी सर्कल सिलेक्शन करना है। फिर यहाँ पे दिए है लैसो टूल फ्री हैंडली, मुझे कुछ भी तक यहाँ पे दो टूल दिए थे जिसमें हम सर्कल और रेक्टेंगल से सिलेक्शन कर सकते हैं, लेकिन मुझे कुछ अनइवन सिलेक्शन करना है तो हम लासो टूल से कर सकते हैं, पॉलीगन लासो, मैग्निकल लासो, और इसका नाम जो है वो पहले फ्री हैंड लासो था, अब ये नए वर्जन जो आया है इसमें इन्होंने इसका शॉर्ट कर दिया है और इसका नाम रख दिया है सिंपल लासो, जबकि पहले इसका नाम था फ्री हैंड लासो, इसका नाम है पॉलीगन लासो और इसका नाम है मैग्नेटिक लासो। सो ये तीनों टूल जो है वो लासो के रिलेटेड है, जैसे आपको कुछ फ्रीली कुछ भी सिलेक्शन करना है देन आपको पॉलीगन लासो, यहाँ से स्ट्रेट फॉरवर्ड आपको कुछ भी सिलेक्शन करना है, जैसे कोई बिल्डिंग है उसको मुझे सिलेक्ट करना है। सो कब कौन सा टूल यूज़ करना है वो आपके ऊपर डिपेंड है, टोटली आपको पता होना चाहिए कि कब मुझे कौन सा सिलेक्शन टूल यूज़ करना है। जैसे कोई मेरे दूसरे भी मेरे चैनल में ये दूसरे भी बहुत सारे वीडियो है जिसमें मैंने ऑलरेडी हर एक टूल्स को इन डिटेल में समझाया है कि कब आपको पॉलीगन जो लासो टूल है उसके ऊपर एक अलग वीडियो है, मैग्नेटिक लासो टूल के ऊपर अलग वीडियो है। सो ये तीनों वीडियो के रिलेटेड इन डेप्थ में मैंने पूरा वीडियो बनाया हुआ है, वो भी आप एक बार देख लीजिए। देन उसके बाद है यहाँ पे मैग्नेटिक लासो टूल, ये मैग्नेट की तरह वर्क करता है, यानी कि डार्क एरियाज जो भी है उसको ये पहले सिलेक्ट करता है, अभी सिंपल सिलेक्शन होगा। सो फोटोशॉप बेसिकली जब स्टार्ट हुआ एडोबी ने जब इसको स्टार्ट किया तो ये फोटोशॉप जो है वो खाली फोटो एडिटिंग में ज़्यादा यूज़ होता था, डिज़ाइनिंग में कम यूज़ होता था। मोस्ट ऑफ जो फोटोग्राफर्स है उनको फोटो के रिलेटेड कुछ भी करना है तो ये फोटोशॉप का इन्वेंशन जो मेन है वो फोटोशॉप का, तो फोटो एडिटिंग के रिगार्डिंग ज़्यादा हुआ था। सो इसलिए फोटोशॉप में ज़्यादातर टूल जो है फोटो एडिटिंग के रिलेटेड दिए हैं, लेकिन फिर आगे ट्रेंड बढ़ता गया और फोटोशॉप का हर एक जगह पे यूज़ बढ़ता गया, जैसे अभी आप देखेंगे कि वेब में भी यूज़ होता है, ग्राफिक्स में भी यूज़ होता है। सो ये है पूरी छोटी सी हिस्ट्री फोटोशॉप की, कि फोटोशॉप जो है वो एडोबी ने बनाया है, उसका मेनली जो फोकस था वो फोटो एडिटिंग के रिलेटेड था, और फिर धीरे धीरे मार्केट में लोगों ने एक्चुअली लोगों ने एडोबी को बताया कि फोटोशॉप का ये भी एक यूज़ है, जैसे वेब में है, जैसे ग्राफिक्स में है, जैसे सिनेमा में है, वीडियो एडिटिंग भी आप कर सकते हैं, ठीक है, ऑडियो एडिटिंग के अलावा सब कुछ फोटोशॉप में कर सकते हैं। ऑडियो अब तक जो है उसमें आप कुछ खाली ऑडियो ही एडिटिंग नहीं कर सकते, बाकी आप वीडियो भी एडिट कर सकते हैं, आप फुटेज भी ला के कर सकते हैं। कई लोगों को तो मैंने फोटोशॉप में बहुत अच्छे अच्छे 2D एनिमेशन भी करते देखा है, 3D एनिमेशन के भी लोगो बनाते हुए देखा है। तो फोटोशॉप जो है वो बहुत ही बड़ा सॉफ्टवेयर है, एक वीडियो में हम कवर नहीं कर सकते, लेकिन मुझे जितना मालूम है जितना मैं बता सकता हूँ एक वीडियो में वो मैं बताने की ट्राई करूँगा। तो आपको अच्छा लगे तो ज़रूर इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए दोस्तों के साथ, ठीक है। सो आगे बढ़ते हैं। सो ये तीनों टूल हैं, फ्री हैंड लासो टूल, पॉलीगन लासो टूल एंड मैग्नेटिक लासो टूल। उसके बाद है फिर एक सिलेक्शन टूल जिसका नाम है क्विक सिलेक्शन टूल एंड मैजिक वैन टूल, ठीक है। तो इसके रिलेटेड हमें एक इमेज चाहिए होगा,
तो इमेज कैसे आप फोटोशॉप में ला सकते हैं, तो सिंपल आपको फाइल मेनू में जाना है, यहाँ से कर देना है ओपन। तो ये पिछले दो दिन पहले एक वीडियो बनाया था, नियॉन की इफेक्ट आप देखिए कैसे डाल सकते हैं फोटोशॉप में। सो ये बनाया हुआ है, अगर आपको ये वीडियो देखना है तो आप मेरे चैनल पे जाके, ये वीडियो अपलोडिंग की लिस्ट में दूसरा या तीसरा होगा, या तो फिर मैं आई बटन पे भी रख देता हूँ ताकि आप जल्दी से इसको एक्सेस कर सको। सो हम एक इमेज लाएंगे, यहाँ से मैंने ये एक इमेज नेट से लिया है, पिक्स बाय करके एक वेबसाइट है जहाँ से आप फ्री में ये इमेज जो है उसका कमर्शियल यूज़ कर सकते हैं। सो ये इमेज है, अब जैसे मैंने यहाँ पे बताया कि ये मैग्नेटिक लासो जो टूल है वो मैग्नेट की तरह वर्क करता है। सो जैसे मैं इस पर क्लिक करूँगा, और ये लाइट एरिया है, ये डार्क एरिया है, तो यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा और धीरे धीरे मैं माउस को मूव करूँगा तो ये ऑटोमेटिकली किस एरिया को सिलेक्ट कर रहा है मैग्नेट की तरह, सिंपल डार्क एरिया को ही ये सिलेक्ट कर रहा है। अगर मैं लाइट एरिया में भी माउस ले जाऊंगा तो इसका जो एरो है, इसका जो पूंछ है, इसकी जो टेल है, वो ऑटोमेटिकली कहाँ पे जा रही है, डार्क एरिया में ही जा रही है। देखिए यहाँ पे भी आप देखिए, कहीं पे भी मैं क्लिक नहीं कर रहा हूँ, कुछ भी नहीं कर रहा हूँ, कौन देखिए अपने आप ही ये डार्क को ही सिलेक्ट करेगा। अब अगर ऐसा कहीं पर हो जाता है सिलेक्शन जो है वो थोड़ा इधर उधर हो गया, तो आप बैक स्पेस जो है उसका यूज़ करके इसमें आप बैक जा सकते हैं, बैक 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 स्पेस प्रेस करेंगे तो जो पॉइंट आ रहे, पॉइंट नहीं कहते इसको, नोड्स कहते हैं, जितने भी आप देख रहे डॉट 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 डॉट, ये सब नोड्स है, इस नोड को आप निकाल सकते हैं। तो ये मैग्नेटिक लासो जो टूल है वो मैग्नेट की तरह वर्क करता है, डार्क एरिया को पहले सिलेक्ट करेगा, इसका जो बाय डिफ़ॉल्ट एडोबी ने इसका कोड जो बनाया है वो इसके रिलेटेड ही बनाया है कि अगर आप कुछ डार्क पोर्शन फटाफट सिलेक्ट करने हैं तो आप मैग्नेटिक लासो टूल के थ्रू कर सकते हैं। सो ये हो गया हमारा सिलेक्शन। तो ये था मैग्नेटिक लासो टूल जो मैग्नेट की तरह यूज़ करता है, यूज़ होता है। यहाँ पे थोड़े इसके ऑप्शंस दिए हैं, जो ऑप्शंस जो है वो सभी में मोस्ट ऑफ कॉमन है, जितने भी हमारे सिलेक्शन टूल हैं इसकी जो प्रॉपर्टी है वो एक्चुअली सब में ऑलमोस्ट सेम है, 99% सेम ही है। तो आपको एक बार अगर आपको पता चल गया कि इस ऑप्शन के थ्रू ये चीज़ होता है तो फिर दूसरे टूल्स जो आप सिलेक्ट करेंगे उसमें भी आपको वो फिर से सीखने की ज़रूरत नहीं है, तो बाय डिफ़ॉल्ट रिपीट ही होती है, ठीक है। सो इस तरह से है कुछ। उसके बाद है यहाँ पे पॉलीगॉन लासो टूल। पॉलीगॉन लासो टूल जो है वो मेनली बिल्डिंग का कुछ हमें कटिंग करना हो तो ज़्यादा यूज़ होता है, जैसे कि इमेज है, ठीक है। बिल्डिंग का इमेज है यहाँ पे, एक बिल्डिंग का इमेज मैंने यहाँ पे लिया। तो इस तरह का कुछ स्ट्रेट वर्कआउट अगर हमें करना है, स्ट्रेट फोटो कटिंग करना है या तो फिर कुछ भी सिलेक्शन करना है तो हम इसमें पॉलीगॉन लासो टूल का यूज कर सकते हैं। सो ये है पॉलीगॉन लासो टूल। यहाँ से जैसे मुझे इस बिल्डिंग में यहाँ पे क्लिक किया, 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 तो सिंपल स्ट्रेट कुछ भी कट करना है मुझे तो इसलिए इजीली हो जाएगा। वैसे तो आप अनइवन ऐसे कुछ भी कर सकते हैं, कंट्रोल प्रेस करेंगे यहाँ से, जैसे एक क्लिक किया और मैंने कंट्रोल प्रेस किया तो ऑटोमेटिकली लासो टूल भी आ जाएगा, स्ट्रेट भी आप सिलेक्शन कर सकते हैं और अनइवन भी कर सकते हैं,
जैसे यहाँ से मुझे इसको कट कर देना है इजीली। सो ये जो टूल्स है वो आप प्रोफेशनली यूज़ नहीं कर सकते, पता नहीं ये टूल्स क्यों अब तक रखे है Adobe ने, क्योंकि प्रोफेशनल इसमें बहुत सारे दूसरे ऑप्शन आ गए, ये बहुत पुराने हैं जिसका आप यूज़ करके इजीली फटाफट इमेज जो है उसको कट कर सकते हैं। जैसे मैं अभी आपको यहाँ पे बताऊँगा एक टूल, नेक्स्ट टूल, ये है मैजिक वैन टूल एंड क्विक सिलेक्शन टूल। क्विक सिलेक्शन टूल क्या करता है, यहाँ से इसका साइज़ हम कम कर देते हैं, यहाँ पे साइज़ प्रॉपर्टी में जाएंगे, साइज़ में जाएंगे, साइज़ कम कर दिया, यहाँ से सिंपल आप ड्रैग करो, ड्रैग एंड ड्रॉप, तो ऑटोमेटिकली ये सिलेक्ट कर लेगा कौन से पेज को, कि ये पेज पे अगर मैंने क्लिक किया तो इस पेज के रिलेटेड जितना भी यहाँ पे कलर्स है उसको वो सिलेक्ट कर देगा, ठीक है, इसके रिलेटेड सबको वो सिलेक्ट कर देगा। आप देखें ऑटोमेटिक हो गया पूरा, कुछ भी आपको करने की ज़रूरत है तो कहाँ में ये पॉलीगॉन टूल या तो फिर मैग्नेटिक लासो टूल से ऐसे 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 सिलेक्ट करूँगा तो कितना टाइम वेस्ट होगा, बहुत सा टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो ये यहाँ पे कुछ फोटोशॉप जब स्टार्ट हुआ तब ये ऑप्शन नहीं था, अभी रिसेंटली ये ऑप्शन जो है वो आए हैं सब, वरना पहले हमें ये फोटोशॉप में ही करना पड़ता था, ऐसे जैसे मैन्युअल करते हैं वैसे ही करना पड़ता था। सो आप जैसे जैसे नेक्स्ट टेक्नोलॉजी आगे बढ़ रही है उस तरह से बहुत सारे इन्वेंशन हो रहे हैं फोटोशॉप के, ठीक है। सो यहाँ पे सिलेक्ट सब्जेक्ट भी ऑप्शन है, सिलेक्ट एंड मास्क भी है। सो जैसे मैंने यहाँ पे सिलेक्ट सब्जेक्ट पे क्लिक किया तो इसका अल्गोरिदम जो है फोटोशॉप का वो एक्टिवेट हो जाएगा, और ये सिलेक्ट सब्जेक्ट यानी कि ये इसको सब्जेक्ट लग रहा है कि मेरा जो यूज़र है उसको ये वाला पोर्शन जो है उसको कट करना है, तो उसने फटाक से वही ऑप्शन सिलेक्ट करके दे दिया। सो ये है इसका अल्गोरिदम फोटोशॉप का। देन सिलेक्ट एंड मास्क यानी कि आपको कट कर देना है, तो सिंपल मैं सिलेक्ट एंड मास्क पे क्लिक करूँगा तो ऑटोमेटिक बैकग्राउंड जो है उसको वो यानी कि जो ये मेरा सिलेक्टेड एरिया था उसको यानी उसने सिलेक्ट करके बाकी का जो डीसिलेक्टेड एरिया था उसको उसने रिमूव कर दिया, एक्चुअली निकाल दिया। सो यहाँ से आप देख सकते हैं कि इसके पीछे अगर आप रेड कलर ऐड करेंगे या तो फिर ब्लैक कलर ऐड करेंगे, इसके एजिस भी अगर हमें रिफाइन करना हो तो भी यहाँ से कर सकते हैं, तो इसका रेडियस कितना रखना है, इसका स्मूथनेस कितना रखना है, आपको यहाँ से आप देख सकते हैं स्मूथनेस, यहाँ से आप फेदर देख सकते हैं, फेदर यानी मिक्स करना, देखिए आप इसका जो एज है उसको आपको कितना मिक्स करना है बैकग्राउंड के साथ, तो आप फेदर से उसको एज को मिक्स कर सकते हैं, कॉन्ट्रास्ट कितना रखना है, ठीक है, एज जो है हमारा उसमें कॉन्ट्रास्ट आपको कितना रखना है, शिफ्ट करना है एज सिलेक्शन को, शिफ्ट करना है आगे लेना है पीछे लेना है तो भी आप ले सकते हैं। इस तरह से आप ऑप्शन को मॉडिफाई करके आपने जो सिलेक्टेड एरिया था उसको आप रिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। जैसे आप रिफाइन करेंगे और आपको यहाँ पे आउटपुट कैसे आप यहाँ पे कोने में देख रहे होंगे आउटपुट, तो यहाँ से आप लेयर विथ मास्क करना चाहते हैं ओके दे देंगे। सो यहाँ पे इसने हमें फोटो एक कट करके लेयर विथ मास्किंग दे दिया। अब इसके पीछे मुझे कुछ भी नया लेयर लेके कोई कलर के कुछ ऐड करना है, आप लेयर को अप डाउन यहाँ से कर सकते हैं, पकड़ के नीचे सीधा ड्रैग कर दो, यहाँ से आप कलर ले लो ओके दे दो और इसमें कलर ऐड कर दो। सो ये हमारा बैकग्राउंड जो है वो चेंज हो गया। सो ये है मैजिक ऑफ फोटोशॉप। कोई भी आप इमेज, जैसे ये इमेज है इसको मुझे इसके, अब एक इमेज को दूसरे इमेज में कैसे लाएंगे, तो यहाँ से मूव टूल लेंगे, ठीक है, मूव टूल सेलेक्ट करेंगे, इसको पकड़ेंगे क्लिक एंड ड्रैग और यहाँ ला के छोड़ देंगे, देखिए ये पीछे आ गई इमेज। सो ये है दो इमेज मैंने यहाँ पर मिक्स कर दिया इस तरह से कुछ। अब इस इमेज को मुझे छोटा करना है, इसको जूम आउट करना है, तो यहाँ से ये जूम टूल है, जूम आउट कर देंगे, यहाँ से मूव टूल लेंगे, कंट्रोल प्लस करेंगे तो जूम इन होगा, कीबोर्ड शॉर्टकट
कंट्रोल माइनस करेंगे तो जूम आउट होगा, और यहाँ से सिंपल क्लिक एंड ड्रैग कर दो। देखो ये आपकी दो इमेज जो है वो क्या हो गई है, मिक्स हो गई है। जहाँ पे भी आपको प्लेस करना हो वहाँ पे आप प्लेस कर दो, देन डबल क्लिक करो तो ओके हो जाएगा, या तो फिर कीबोर्ड में से एंटर दो तो भी ओके हो जाएगा, या तो फिर यहाँ कोने में यहाँ पे बटन आता है यहाँ से भी आप ओके कर सकते हैं। सो ये है सिंपल हमारे क्विक सिलेक्शन टूल का यूज़, और बहुत कुछ भी मैंने इसमें भी आपको ऐड कर दिया कि कैसे दो इमेज को मिक्स कर सकते हैं, लेयर को कैसे हम अप डाउन कर सकते हैं, ठीक है। ग्रीन स्क्रीन अगर आपको बनानी है तो इस तरह से कर सकते हैं। सो नेक्स्ट टूल्स इज अ क्रॉप टूल। क्रॉप टूल जो है वो इमेज को अगर हमें कट करना हो तो यहाँ से हम कर सकते हैं, यहाँ से देंगे ओके तो इमेज जो है हमारा कट हो गया। जैसे यहाँ पे एक इमेज है, इसमें से मुझे सिंपल इतना पोर्शन ही चाहिए, बाकी का जो पोर्शन है वो मुझे निकाल देना है यानी रिमूव कर देना है, तो क्रॉप टूल से वो डिलीट हो जाएगा। डिलीट क्रॉपेड पिक्सल्स, यहाँ पे ऑप्शन आप देख रहे हैं, अगर आप जैसे इसको प्रेस करेंगे अगर ये ऑन है तो डिलीट हो जाएगा, अगर ये ऑफ है तो यहाँ से आप फिर से ऐसे सिलेक्ट करेंगे तो वापस आ जाएगा। कैसे, सो अंडू करते हैं। अंडू करने के लिए शॉर्टकट है कंट्रोल जेड, ठीक है, रीडू करने के लिए कंट्रोल वाई। सो यहाँ से मैंने इसको इतना पोर्शन सिलेक्ट किया, सो यहाँ से ऑप्शन अभी ऑफ कर देता हूँ, फिर मैं यहाँ से डिलीट करता हूँ, फिर से मैं यहाँ से क्रॉप टूल ले रहा हूँ और फिर से मैं यहाँ से नीचे जा रहा हूँ, तो आपको इमेज वापस मिल जाएगी अगर ये ऑप्शन बंद है तो, ठीक है। अगर आपको डिलीट नहीं करना है इमेज, हाइड ही करना है, तो आप इसको ऑन कर दीजिए तो डिलीट हो जाएगा। अगर ऑन नहीं किया है फिर आप कट करते हैं तो जो आपका पिक्चर है वो पीछे उतना ही रहेगा, ठीक है। सो ये है हमारा क्रॉप टूल। क्रॉप टूल में यहाँ पे आप फिक्स रेशियो भी कर सकते हो, जैसे 4:5 का आपको 300 dpi में कटिंग करना है तो ये 4:5 का ऑलरेडी कट आ जाएगा, और ओके प्रेस करेंगे तो यहाँ पे उसी साइज़ का वो कट कर देगा, ठीक है। सो ये है हमारा क्रॉप टूल जिसके अंदर फिक्स रेशियो भी आप रख सकते हैं, अनइवन रेशियो भी रख सकते हैं, आपका खुद का पैरामीटर अगर ऐड करना है 20:20 इंच का मुझे कट करना है तो भी आप यहाँ से कर सकते हैं। सो आप खुद का वैल्यू भी ऐड करके यहाँ पे इमेज को कट कर सकते हैं, ठीक है। क्लियर कर देते हैं यहाँ से। स्ट्रेट अगर आपको कटिंग करना है तो भी आप कर सकते हैं, यहाँ से आप रोटेट करके इसको डायरेक्टली कटआउट करना है इमेज को तो भी आप कर सकते हैं। इस तरह से हमारा इमेज जो है वो रोटेट हो जाएगा और कट हो जाएगा। ग्रीड वाइज मुझे कट करना है, ग्रीड चाहिए, जैसे मैं यहाँ पे प्रेस करूँगा तो ग्रीड आ जाएगी, और ग्रीड के हिसाब से परफेक्ट प्रोपोर्शनली हमें कट आउट करना है तो भी हम कर सकते हैं। से ओके प्रेस करेंगे तो ग्रीड के हिसाब से हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद है यहाँ पे यूज़ क्लासिक मोड। क्लासिक मोड अगर आपको यूज़ करना है सो क्रॉपेड एरिया, एरिया अगर आपको यहाँ से दिखना चाहिए क्रॉप किया वो भी यहाँ पे ऑप्शन है। फोटो सेंटर प्रीव्यू अगर आपको करना है, अनेबल क्रॉप शील्ड करना है तो भी आप यहाँ से कर सकते हैं। सो कंटेंट अवर के हिसाब से करना है, जितना हमारा कंटेंट है उसके हिसाब से अवेयरनेस आ जाएगी और उसके हिसाब से ये कट करेगा। सो ये हमारा क्रॉप टूल है। उसके बाद है पर्सपेक्टिव क्रॉप टूल। पर्सपेक्टिव में अगर आपको कोई इमेज जो है उसको कट करना है तो आप पर्सपेक्टिव कट टूल का यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि इमेज है इसको मुझे पर्सपेक्टिव इन डेप्थ में अगर यूज़ करना है, इसे क्लिक एंड ड्रैग करेंगे, इस दो पॉइंट को हम यहाँ से मूव कर सकते हैं। सो अभी जो इमेज हमारा ये कट होगा वो पर्सपेक्टिव के हिसाब से इस तरह से होगा, ओके प्रेस करेंगे, देखिए पर्सपेक्टिव के हिसाब से आप ऑटोमेटिक उसने करेक्ट करके हमें वो इमेज कट करके दे दी। स्लाइस टूल है, ये वेब डिज़ाइनिंग में यूज़ होता है, और जो भी हमारा वेब लेआउट है उसको हमें एक साथ बहुत सारे कट्स चाहिए और फिर इसको हम सेव फॉर वेब करेंगे तो इतने सारे ये जो कट्स हैं वो हमें वो कट करके दे देगा। जैसे कोई हमने वेब लेआउट बनाया
और उस वेब लेआउट में मुझे कोई जितने भी इमेज मुझे वेबसाइट में चाहिए, वो वेबसाइट के जितने भी इमेज हमें रखने हैं वेबसाइट में, उस सबको हम स्लाइस कर देंगे स्लाइस टूल के थ्रू, और फिर उसको सेव फॉर वेब करेंगे, तो जितने भी हमने स्लाइस किए हुए पोर्शन है उन सबको वो कट करके हमें दे देगा। वेब के रिलेटेड है, यूआई डिज़ाइन अगर हम करते हैं, वेब लेआउट अगर हम करते हैं, तब ये टूल्स जो है वो काम में आता है। तो कैसे करेंगे मैं दिखाता हूँ आपको। सिंपल यहाँ से हम कर देंगे एक वेब लेआउट, यहाँ से मैं एक लेआउट ओपन करता हूँ कोई भी किसी भी वेबसाइट का। एक वेब लेआउट है, इसको हम यहाँ से कॉपी कर देंगे, फोटोशॉप में जाएंगे, नया फाइल ले लेंगे, गूगल में मैंने सर्च किया, फाइल में गया, न्यू फाइल ले ली, ओके दे दिया और एडिट में जाके मैंने पेस्ट कर दिया, तो ये वेब लेआउट हमारे फोटोशॉप में आ गया। सो ये किसी ने बनाया हुआ है। अब इसमें से मुझे बार बार कटिंग नहीं करना है, एक साथ जितने भी इमेजेस मुझे वेबसाइट में ये सब रखनी है उसको मैं एक ही बार में कट करना चाहता हूँ। तो यहाँ से लेंगे स्लाइड टूल, और एक हमें ये इमेज चाहिए तो इसको हम यहाँ से सिलेक्ट कर देंगे। एक हमें ये लोगो की इमेज चाहिए होगी, सो एक लोगो ये पूरा इसमें ही आ जाएगा। उसके बाद एक ये इमेज हमें नेट पे रखनी है वेबसाइट पे, एक ये वाली इमेज रखनी है, इसको आप परफेक्ट सिलेक्ट कर दीजिए। यहाँ से एक ये इमेज रखनी है, इतनी ये वाली जो इमेज है ये एक रखूँगा मैं, एक ये रखनी है, ये टेक्सचर के लिए मैं रखूँगा। एक ये इमेज हमें अपलोड करनी है नेट पे, तो इसको भी हम कट कर देंगे, इसको भी कट कर देंगे, इसको भी हम कट कर देंगे, इसको भी कट कर देंगे और इसको भी कट कर देंगे। सो इतनी इमेज जो है वो हमें नेट पे चाहिए, ठीक है। सारी मैंने क्या कर दी, स्लाइस टूल का यूज़ करके स्लाइस कर दी, आप देख सकते हैं। उसके बाद एक नीचे टूल दिया है साइज सिलेक्शन टूल, अगर आपने यहाँ पे स्लाइस टूल का यूज़ किया है और उसमें आपको कुछ करेक्शन करना है तो फिर आपको यहाँ से स्लाइस सिलेक्शन टूल का यूज़ करना है। इसको आप सिलेक्ट करके यहाँ से परफेक्ट मैच कर सकते हैं, एरिया को रीडिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो ये है स्लाइस सिलेक्शन टूल का यूज़, ये हो जाए फिर उसके बाद फिर से आपको स्लाइस सिलेक्शन टूल लेना है, स्लाइस टूल सब स्लाइस को एक साथ सिलेक्ट कर देना है, ठीक है। यहाँ से जितनी भी हमने स्लाइस की थी उन सबको सिलेक्ट कर दो यहाँ से स्लाइस सिलेक्शन टूल का यूज़ करके। फिर फाइल में जाएंगे, यहाँ पे एक्सपोर्ट में जाएंगे, यहाँ से करेंगे सेव फॉर वेब। सो ये जितनी भी हमने स्लाइस किए थे सब यहाँ पे दिख रहे हैं, ये स्लाइस की हुई, ये की हुई है, कंट्रोल माइनस करेंगे, इन सबको हम सिलेक्ट कर देंगे, सारी सिलेक्ट हो गई है। यहाँ से आपको फॉर्मेट डिफाइन करना है, PNG ट्रांसपेरेंट रखनी है, JPG रखनी है, ठीक है। वहाँ यहाँ से आप रख सकते हैं, प्रोग्रेसिव रखना है, वेब में मोस्ट ऑफ प्रोग्रेसिव होती है, जैसे जैसे नेट की स्पीड कम ज़्यादा होगी तो उसके हिसाब से हमारी इमेज जो है वो धीरे धीरे ओपन होगी, इसके लिए यहाँ से प्रोग्रेसिव रखते हैं। यहाँ से इसकी विड्थ है, यहाँ से सेव करेंगे। अब आपको एक फोल्डर डिफाइन कर देना है कि जिस फोल्डर में आपको सारी इमेज एक साथ चाहिए, मैं एक इमेज करके फोल्डर बना देता हूँ, और यहाँ से नाम दे देना है किस चीज़ का है ये, तो जो भी वेबसाइट है उसका आप नाम दे दो, सेव दे दो, और यहाँ से अभी ये एक्सपोर्ट कर रहा है। सो ये सारी इमेज जो थी वो एक्सपोर्ट हो गई। अब यहाँ पे जाएंगे हमारे फोल्डर में जहाँ पे हमने ये फोल्डर बनाया था, इमेजेस में इमेजेस, देखिए जितनी भी इमेज मैंने स्लाइस टूल से सिलेक्ट की थी वो सारी ऑटोमेटिक कट हो गई है। कुछ एक्स्ट्रा भी हुए उसको हम डिलीट कर देंगे कि ये हमें नहीं चाहिए, जो भी एक्स्ट्रा हुई ये चाहिए ये नहीं चाहिए, तो इसको आप डिलीट कर दो। सो ये है स्लाइस टूल का यूज़, जो भी आप इमेज सेलेक्ट करेंगे वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी, स्लाइस हो जाएगी, कट हो जाएगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट टूल जो है वो हमारा है फ्रेम टूल। कोई भी हमें फ्रेम बनानी है, फ्रेम टूल जो है वो डिज़ाइनिंग में ज़्यादातर यूज़ होता है। कैसे यूज होता है डिज़ाइनिंग में, तो जैसे क्लाइंट है मेरे पास, तो वो क्लाइंट ने मुझे वर्क तो दे दिया लेकिन उसकी इमेज जो है वो अभी नहीं दी है, तो एज अ डेमो
कि कहाँ पे इमेज आएगी वो डिफाइन करने के लिए हम फ्रेम का यूज़ करते हैं। जैसे यहाँ पे अभी ये इमेज है, सपोज़ यहाँ पे अगर हमें कोई इमेज रखनी है, लेकिन कब रखेंगे कि जब हमें क्लाइंट प्रोवाइड करेगा इमेज तब हम यहाँ पे इमेज रखेंगे, तो उसके लिए हम वायर फ्रेमिंग के अंदर किसका यूज़ करते हैं, फ्रेमिंग का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे एक फ्रेम बन जाएगी और इस फ्रेम में आपको यहाँ से कलर जो चाहिए, एडिटिंग कुछ भी चाहिए तो आप यहाँ से कर सकते हैं। एक फ्रेम रखनी है, दो फ्रेम रखनी है, तो जो हमारा डिज़ाइन है वो इस तरह से बनेगा। यहाँ से हम डेमो टेक्स रख देंगे, ठीक है। ये डेमो टेक्स रख दिया मैंने, ये डेमो फ्रेम रख दी। यहाँ पे ये फ्रेम रखी है वहाँ पे, इसका मतलब ये है कि यहाँ पे इमेज आएगी, जब क्लाइंट प्रोवाइड करेगा तब हम यहाँ पे इमेज रख देंगे और इस तरह से हम डिज़ाइन बनाएंगे। तो ये है हमारा फ्रेम टूल। उसके बाद है आई ड्रॉपर टूल। आई ड्रॉपर टूल जो है वो कलर पिक करने के लिए यूज़ होता है कि मुझे इस लेआउट में से ये कलर चाहिए, ये वाला कलर यूज़ करना है, ये वाला कलर यूज़ करना है, ये वाला कलर यूज़ करना है, तो आई ड्रॉपर टूल के थ्रू कर सकते हैं। यहाँ पे पॉइंट टू सैंपल रखना है, 3x3 का एवरेज निकाल के कोई एक कलर चाहिए तो उस तरह से ये वर्क करेगा। मोस्ट ऑफ यहाँ पे जो ऑप्शन होता है वो पॉइंट सैंपल होता है। ऑल लेयर में रखना है कि करंट लेयर में ही रखना है, तो यहाँ से ऑलमोस्ट ऑल लेयर ही होता है, ठीक है। उसके बाद ये 3D मटेरियल आई ड्रॉपर टूल, इसको हम 3D में देखेंगे। कलर सैंपल टूल, आपको कलर्स नहीं चाहिए लेकिन उसका सैंपल चाहिए। सैंपल कब यूज़ होता है कि एक सॉफ्टवेयर में से एक कलर की जो वैल्यू है वो मुझे दूसरे सॉफ्टवेयर में, या तो फिर कहीं नेट पे, या तो फिर कहीं कोडिंग के कोई बंदा कर रहा है, तो वहाँ पे सिर्फ उसको कलर कोड चाहिए होता है। तो कलर कोड लेने के लिए यहाँ से इसका कलर सैंपलर टूल है, यहाँ पे क्लिक किया तो सिंपल यहाँ पे एक RGB की वैल्यू आ गई, 31, 31, 32। सो ये जो कलर है उसका जो RGB वैल्यू है वो यहाँ पे आ जाएगा। अगर मैं 4 सैंपल आप ले सकते मैक्सिमम, सो एक के लिए मैं एक ये मैंने लिया, अब मुझे दूसरा एक सैंपल चाहिए, एक तीसरा चाहिए, एक चार चाहिए, 5, 6, 7, 8, 9, 10 तक आप ले सकते हैं। पहले 5 तक ही था, पता नहीं कब से 10 आ गया। सो आप यहाँ पे देख रहे हैं 10 अलग अलग कलर की 10 अलग अलग वैल्यू जो है वो आ गई है। सो यहाँ से क्लियर ऑल कर देंगे। उसके बाद है यहाँ पे नॉट टूल, रूरल टूल एंड काउंट टूल। ये काउंटिंग के लिए यूज़ होता है, काउंट अगर हमें करना है कहीं भी की, क्लाइंट को बताना है कि भाई कितनी इमेज हमें ऐड करनी है इसमें, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और एक है 10, तो 10 इमेज 11 और 12, तो ये काउंटिंग है। इस तरह से हम काउंट करके कह सकते हैं हमारे क्लाइंट को, या तो फिर मिनिमम 12 इमेज जो है इसमें यूज़ की है, ठीक है। उसके बाद है यहाँ पे नॉट टूल, कुछ भी नॉट डाउन करना है तो यहाँ से हम नॉट कर सकते हैं, ओपन नॉट। सो यहाँ पे आप लिख सकते हैं कुछ भी लिखना हो, टाइप करना हो। सो ये नॉट का कब यूज़ होगा, जब ये फाइल कोडिंग वालों के पास जाएगी, या तो फिर दूसरी जगह आउटसोर्सिंग अगर मैं कर रहा हूँ और वहाँ पे भी मुझे ये फाइल में कुछ नोट डाउन करके कहना है कि भाई यहाँ पे कुछ कंटेंट जो है वो रखना बाकी है, यहाँ पे ये कंटेंट बाकी है, या तो फिर आपको ये अगर आइकन चाहिए तो इस साइड से लेना है, वो सब आप नोट डाउन करके यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है। सो उसके बाद है यहाँ पे रूलर टूल, सिंपल नाम ही है रूलर। तो यहाँ से आपको इसका विथ डिफाइन करना है कि कितना है, तो यहाँ पे दिखा देगा इसका हाइट 109 है, कौन से एंगल में है, एक्स वाई पोजीशन कौन सी है इसकी, एंगल भी डिफाइन करेगा यहाँ पे, ये L1Y विथ हाइट। सो आपको एंगल डिफाइन करना हो, आपको हाइट या विथ चाहिए है तो आप यहाँ से रूलर टूल्स के थ्रू आप ले सकते हैं। उसके बाद है यहाँ पे पैच टूल, एलिंग ब्रश टूल, स्पॉट एलिंग ब्रश टूल, कंटेंट एवर मूव टूल एंड रेड आई टूल। सो स्पॉट एलिंग ब्रश टूल जो है वो स्पॉट को हीलिंग करने के लिए यूज़ होता है, कहीं ये इमेज एडिटिंग के रिलेटेड पूरा सॉफ्ट पैकेज है।
ये जो पैकेज है पूरा एक इमेज को एडिट करने के लिए दिया हुआ है, जैसे स्पॉट टीलिंग ब्रश टूल है, तो कहीं पे मेरी इमेज जो है उसमें कहीं पे ये स्पॉट है, स्पॉट को मुझे निकाल देना है, तो स्पॉट टीलिंग ब्रश टूल का यूज़ करेंगे यहाँ से। तो ये ऑटोमेटिक डिफाइन करेगा और जितने भी स्पॉट है उसको ये बाय डिफॉल्ट निकालता जाएगा, निकालता जाएगा, निकालता जाएगा, जैसे यहाँ पे है कुछ, यहाँ पे है कुछ, यहाँ पे है कुछ। सो इस तरह से आप स्पॉट ईलिंग ब्रश टूल का यूज़ करके छोटे छोटे जो रीटचिंग का जॉब होता है वो किया जाता है, ठीक है, बहुत ही सिंपल है। यहाँ पे इसकी अलग अलग साइज़ दी है, कौन सी साइज़ का आपको ब्रश रखना है, स्पॉट ईल करना है, ठीक है। फिर यहाँ पे इसका हार्डनेस दिया है, स्मूथनेस अगर आपको चाहिए तो स्मूथ हो जाएगा। देखिए आप यहाँ पे चेंजेस हो रहे हैं। अगर आपको स्पेसिंग चाहिए तो स्पेसिंग जगह बना के करेगा ये, ठीक है। टाइप में यहाँ पे आपको रखना है कंटेनर, क्रिएट अ टेक्सचर अगर आपको क्रिएट करना है तो वो भी आप साथ में ले सकते हैं, तो टेक्सचर भी होगा। सिर्फ कंटेन अवेयर यानी पे यहाँ पे जो ये कंटेंट दिया है उसी को ध्यान में रख के हीलिंग होना चाहिए, तो इसी हिसाब से काम करेगा ये। अप्रॉक्सीमेटली मैचिंग करना है, आजू बाजू का जो एरिया है उसको ये मैच करके फिर हम एक परफेक्ट आउटपुट देगा। आप देख सकते हैं कितना अच्छा वर्क कर रहा है। सो बहुत ही इजी हो गया एडिटिंग करना। अगर आपको ये टूल्स पता है, ऑप्शंस पता है, तो आप इसमें इजीली एडिटिंग कर सकते हैं। सो ये था स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल। उसके बाद है हीलिंग ब्रश टूल। हीलिंग ब्रश टूल भी कुछ इसी तरह से काम करता है, लेकिन आपको इसमें बाय ये क्या करता है, ऑटोमेटिक जनरेट करता है। जबकि नीचे वाला जो ऑप्शन है हीलिंग ब्रश टूल, इसमें आपको एरिया जो है वो डिफाइन करना पड़ता है कि कौन सा एरिया लेके आपको यहाँ पे रखना है। जैसे मुझे ये वाला जो पोर्शन है इसको लेके यहाँ पे रखना है, तो ये वाला पोर्शन ही आएगा फिर, ठीक है। जैसे मुझे ये वाली शाइनिंग जो है वो थोड़ी सी यहाँ पे भी चाहिए, और तो इस तरह से आप ऑल्टर प्रेस करेंगे, ऑल्टर से आप एरिया डिफाइन करेंगे यहाँ से कि कौन सा एरिया कहाँ पे चाहिए, वही एरिया यहाँ पे आएगा। सिंपल मैच टूल है, पैच टूल है, यानी कि पैच डिफाइन करना है। जैसे हमें यहाँ से ये वाला पैच है इसको निकाल देना है, और इसकी जगह क्या चाहिए, तो ये चाहिए, ये वाला पैच है उसको निकाल देना है, उसकी जगह ये वाला पोर्शन चाहिए। यहाँ पे मुझे पैच टूल का यूज़ करना है, सपोज इसकी उंगली पे यहाँ पे ये पैच टूल है, इतना वाला पेज जो है इसको निकाल के ये वाला आ जाना चाहिए, इतना वाला पेज है इसको निकाल के ये वाला आ जाना चाहिए, ये वाला पोर्शन जो है इतना पेज हमें निकालना है, सिलेक्ट करेंगे, इसकी जगह क्या आ जाना चाहिए, ये आ जाना चाहिए। यहाँ पे ये इमेज को हमें रफ एंड टफ अच्छी तरह से यूज़ करना है, सिलेक्ट करेंगे, इसको यहाँ पर रख देंगे। सो इस तरह से आप पैच टूल का यूज़ कर सकते हैं, पैचेस बना बना के आप इमेज को एडिट कर सकते हैं। कंटेन अवेयर मूव टूल, यहाँ से इसको सिलेक्ट किया, यहाँ से इसको मूव किया और यहाँ पे रख दिया, तो ऑटोमेटिक ये क्या करेगा, उसके हिसाब से आजू बाजू के एरिए के हिसाब से मिक्स हो जाएगा। जैसे कोई एक ऐसी इमेज है जिस इमेज को आपको बैकग्राउंड के साथ भी मिक्स कर देना है, तो आप कंटेन अवेयर टूल मूव टूल का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। जैसे इस अभी मुझे जैसे इसमें से ये हेयर है उसको थोड़ा एडिटिंग करना है, तो यहाँ से इसको सिलेक्ट किया, मूव कर दिया, ओके कर दिया, तो देखिए यहाँ से इसको इसने निकाल दिया और यहाँ पे ला के इसने इसको रख दिया, और अपना बैकग्राउंड था उसके साथ उसको इसने मैच भी कर दिया। देन उसके बाद है रेड आई टूल। रेड आई टूल जो हम फोटोग्राफी करते हैं उसमें जो हमारी आँख में एक रेड का डॉट आता है, तो वो डॉट निकालने के लिए स्पेशली फोटोशॉप में इस टूल को लाया गया है। सो यहाँ पे हम लिखेंगे रेड आई, सो ये आप देख रहे हैं यहाँ पे रेड आई दी है। तो इस तरह के पिक्चर्स कहीं पे भी आ जाते हैं तो उसको निकालने के लिए ये टूल का यूज़ होता है। सिंपल यहाँ से इसको कॉपी कर लेंगे, कॉपी में फोटोशॉप में जाएंगे, एक नया फाइल ले लेंगे,
से क्रिएट कर देंगे, पेस्ट कर देंगे। अब मुझे ये निकालना है रेड आई, तो सिंपल यहाँ से रेड आई टूल लेंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली इसकी रेड आई जो है वो निकल जाएगी। बहुत ही सिंपल है। देन है ब्रश टूल, पेन टूल, ड्राइंग के रिलेटेड ऑप्शन आ गए। कुछ भी हमें नया क्रिएशन करना है, सीडिंग करना है, ड्राइंग करना है, कलर रिप्लेसमेंट करना है, कुछ भी मिक्सिंग करना है, दो शीट को मिक्स करना है, तो वो हम इस पोर्शन के थ्रू कर सकते हैं। जैसे अभी ये है ब्रश टूल, सो ब्रश टूल है वो थोड़ा ज़्यादा आपको ड्राइंग का, आपका अगर आपके पास स्किल है, कोई डिजिटल पेंटिंग बनाना है, अगर आपको कुछ ड्राइंग करना है, तो आप ब्रश टूल का आपको प्रॉपर पता होना चाहिए, प्रॉपर आपको यूज़ आना चाहिए। अगर आपको ब्रश टूल का प्रॉपर यूज़ पता है तो आप बहुत कुछ इसमें कर सकते हैं, मेट पेंटिंग भी बना सकते हैं, प्रोडक्ट डिज़ाइनिंग कर सकते हैं, इलस्ट्रेशन आप कर सकते हैं। सो ये सब्जेक्ट जो है वो थोड़ा ड्राइंग के रिलेटेड है, अगर आपको ड्राइंग आता है तो फिर ये पोर्शन आपके काम का है। शेडिंग के रिगार्डिंग है, जैसे यहाँ पे दिया है ब्रश टूल, सो सिंपल यहाँ ब्रश टूल में जाएंगे, यहाँ पे इसकी साइज़ है, वही साइज़ दिया है, हार्डनेस दिया है, ठीक है। हार्डनेस अगर 100 कर देंगे तो सिंपल यहाँ कट टू कट आएगा, कोई भी यहाँ पे मिक्सिंग नहीं होगा। अगर वही हार्डनेस मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, 0 कर दिया, तो पोर्शन मिक्स हो जाएगा। सो ये है हार्डनेस का फंडा। सो ब्रश टूल में यहाँ पे अलग अलग दूसरे भी बहुत सारे ब्रशेस दिए हैं, आप देखेंगे यहाँ पे बहुत सारे हैं, ये मैंने अलग से यहाँ से रखे हैं। ये है ब्रश, ये मैंने नेट से डाउनलोड किए थे कुछ ब्रशेस, बाय डिफ़ॉल्ट ये सारे ब्रशेस आते हैं जनरल यूजेस के लिए, राउंड, सॉफ्ट राउंड ब्रश एंड प्रेशर,